इसको 6 मिलियन करवा, नहीं वैसे तो इसने मतलब मेंशन किया हूँ ऑपरेटिंग डीज। ठीक है, बात आपकी सही है। कितनी वर्किंग्स में तो नहीं सर? जैसे बाकी लोगों ने कर लिया सर, फर्स्ट नंबर फोर तक आ गए, कोई मसला फोर तक नमस्कार। तो 5 6 पे रख लेते हैं उसको, तो डिस्कस कर लेते यस सर। हैं, करेंगे कंप्लीट करेंगे जी। कल कहाँ तक पहुंचे सर? पेज नंबर एक एंट्री डेटा डिस्कस हो रही थी, पेज नंबर 29। एंट्री लिख रहे थे, लिख रहे थे, एक नजर देख के रिवाइज करना जरा, क्या बात हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए, लेकिन अगर कंट्रोल जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उस दिन राइट टू रिसीव अभी कंडीशनल ना हो, सॉरी कंडीशनल हो, राइट टू रिसीव कंडीशनल हो, अनकंडीशनल ना हो, तो डबल एंट्री वक्ती तौर बैलेंस कर ली जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट मींस होता है एक ऐसा राइट टू रिसीव व्हिच इज कंडीशनल, नहीं मतलब व्हिच इज कंडीशनल, इधर वर्ड्स में रखा ना, इसको इसके बेस पे क्वेश्चन करने आगे जाकर। कॉन्ट्रैक्ट एसेट मींस राइट टू रिसीव व्हिच इज कंडीशनल है अनकंडीशनल, और रिसीवेबल मींस राइट टू रिसीव। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब तक रहेगा? जब तक राइट टू रिसीव अनकंडीशनल ना हो, तो जब वो अनकंडीशनल हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट खत्म। ठीक है, फिलहाल बस इतना ध्यान में रखना, बाकी जरा इस तरह पेज नंबर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का सिंपल चीज हम लिखवा। पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 ये सर जो स्टैंडर्ड है, इसमें जो डिस्कशन है उसकी बेस पे
ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तकरीबन मेरे को लग रहा है इनमें देखेंगे 20 तक हैं शायद। तो ये ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एग्जांपल हैं, ये स्टैंडर्ड में भी एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को बेस बना के अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता रहता है। तो जहां जहां हम पहुंचते जाएंगे वहां वहां साथ इन एग्जांपल्स को बेस बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ये एग्जांपल्स ऐसा कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बनेंगे, एक सिनेरियो सॉर्ट ऑफ बना हुआ। तो इन सिनेरियो से फिर इन सिनेरियोस में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है उनके बेस पर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है। तो आप कह लेंगे ये शायद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से, तो इसमें जरा सिक्स पे आ रहा है। कौन सा पेज है सर? पेज नंबर ही बता दें सर। बहरहाल ये एग्जांपल ऐसे को रट्टा लगाने वाला चीज नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपने। बाकी एग्जांपल्स एज इट इज आपके स्टैंडर्ड्स में भी हैं, कौन सा पार्ट में तो हम कंप्लीट करने बाद में वहां से टेक भी लगा लेंगे। इससे पहले कि हम ये एग्जांपल स्टार्ट करके इसके हेडिंग देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर सिक्स राइट ऑफ रिटर्न, सीधे एग्जाम्पल पे आ रहा मिल गया। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ सर? सेल एंड अप्रूवल बेसिस। कभी आपने जिंदगी में वर्ड सुना कहीं सेल और रिटर्न बेसिस? क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, एक रिटेलर है, एक कस्टमर है। लेट्स सी मैन्युफैक्चरर कोई मोबाइल कंपनी, रिटेल शॉप्स वो है जहां से आप परचेज करते हैं और रिटेलर के कस्टमर को आप एज ए कस्टमर रिटेलर से जाके खरीदते हैं। रिटेलर के पास कहां से मोबाइल होते हैं? तो लेट्स सी मैन्युफैक्चरर ने कोई नया मोबाइल मॉडल लॉन्च किया है और वो चाहता है ये सेल हो। तो उसने पहले ये मोबाइल जो है किसको बेचने? रिटेलर ने फिर आगे बेचना। अब रिटेलर रिलक्टेंट है सपोज कि नया मॉडल है, पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं। तो देयरफॉर सपोज मैन्युफैक्चरर ने कहा कि मेरे मोबाइल रख लें, बिक गए तो ठीक है, ना बिके तो रिटर्न कर दीजिएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सेल रिटर्न बेसिस। बताए मैन्युफैक्चरर को अपनी सेल किस दिन रिकॉर्ड करनी चाहिए? जिस दिन मोबाइल्स डिलीवर होते हैं, जिस दिन मोबाइल्स ट्रांसफर होते हैं, क्या कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाएगा? कंट्रोल कब ट्रांसफर हो जाता है? जब कस्टमर अपनी मर्जी से, जब तक रिटेलर बेचेगा नहीं, क्या रिटेलर के पास जो मोबाइल पड़े होंगे वो कस्टम मैन्युफैक्चरर के ही होंगे? अगर सपोज बैलेंस शीट डेट पे फॉर एग्जांपल 1000 मोबाइल्स डिलीवर हुए थे और बैलेंस शीट डेट पे अभी भी अनसोल्ड मोबाइल्स रिटेलर के पास सपोज 200 पड़े हैं, तो मैन्युफैक्चरर को इस अकाउंटिंग ईयर में कितने मोबाइल्स की सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए? बाकी 200 मोबाइल किसके पास पड़े हैं, किसके हैं? मैन्युफैक्चरर का अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूं, तो ये 200 जो मोबाइल्स पड़े हैं रिटेलर के पास उसी के स्टॉक के तौर पे, स्टॉक विद थर्ड पार्टी के तौर पे मैन्युफैक्चरर ही रिकॉर्ड करेगा। हां डेफिनेटली इसमें ये बात हरगिज नहीं है कि अगर रिटेलर की नेग्लिजेंस की वजह से मोबाइल्स को मसला हो जाएगा तो वो डेफिनेटली फिर आपस में जो एग्रीमेंट किया होगा उस केस में डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कब तक सेल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए मैन्युफैक्चरर को? जब तक रिटेलर कस्टमर को सेल, तो फिर वो फाइनली शायद ये होगा कि अब अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर जो है वो कंसिडरेशन के लिए इंटाइटल हो गया उन मोबाइल्स के अगेंस्ट जो मोबाइल्स रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ठीक है, तो ये है किस चीज का कॉन्सेप्ट? इसे सेल और अप्रूवल बेसिस क्या चीज होगी? सेल और रिटर्न में तो ना, ना बिके तो वापस कर दीजिएगा, ना बिके आगे सेल एंड अप्रूवल बेसिस ये है कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको चीजें बेची हैं
और उसने कहा कि पहले आप तसल्ली कर लें, अगर पसंद आएंगी तो रख लीजिएगा, ना पसंद आए तो वापस कर दीजिएगा। फर्क शायद क्या है, यहाँ शायद रिटेलर ने आगे बेचनी है और सेल एंड अप्रूवल बेसिस में शायद जिसको आपने बेची उसने इस्तेमाल करनी है, तो जब तक वो अप्रूव नहीं कर देगा आपको सेल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली हम क्या अज्यूम करते हैं कि सेल कब रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, जब डिलीवर हो जाती है हम अज्यूम करते हैं रिस्क एंड वर्ड्स ट्रांसफर हो गए होंगे, लेकिन अगर सेल और रिटर्न बेसिस है या सेल एंड अप्रूवल बेसिस है तो हमें जब तक गुड्स या तो आगे सेल ना हो गई हो और या अप्रूवल ना आ जाए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज समटाइम ये भी हो सकती है क्योंकि टाइम पीरियड स्पेसिफाइड हो, फॉर एग्जाम्पल 30 days है, 30 days में अगर सेल ना हुए तो वापस कर दीजिएगा। लेट्स से हम 30 days में 30 days गुजरने के बाद रिटेलर ने कोई आपको रिटर्न्स नहीं की और अगर उसने आपके सेल नहीं भी की और वो रिटर्न आप 30 days में नहीं की उसमें, तो फिर आफ्टर द एंड ऑफ 30 days क्या आप सेल रिकॉर्ड कर लेंगे? तो इसमें एक अर्लियर ऑफ का कॉन्सेप्ट बन जाता है, अर्लियर ऑफ द डेट व्हेन द रिटेलर सोल्ड द गुड्स टू द कस्टमर और द टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न इज एक्सपायर्ड व्हिच एवर इज अर्लियर या लेटर। आपने मोबाइल डिलीवर किए, उसने अगले दिन कॉल की, सारे बिक गए, आप सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर 30 दिनों तक उसने नहीं बताया और 30वां दिन आ गया है और उसने अगर नहीं भी बेचे होंगे तो अब आपका ये राइट होगा कि आप 30 days के बाद आपने सेल रिकॉर्ड कर, ठीक है। और ठीक है सर, क्या ठीक है सर, एक सेंटेंस सर बोल दें, सेल रिटर्न बेसिस क्या होती है? ये भी लेकिन अब हमने इस एग्जांपल में जो इस वक्त पढ़ेंगे एक एक्सेप्शन सॉर्ट ऑफ इस चीज की पढ़नी है। अब आए वर्ड बाय वर्ड मिसा सा, एन एंटिटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, each contract includes the sale of one product for rupees 100 to 100 contract the har contract mein ek product thi to shayad 100 units ban gaye aur har unit kitne ka sir 100 rupees ka to bracket finally padna kitni products कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में एक ही प्रोडक्ट है 100 रुपए प्राइस का, तो टोटल कंसिडरेशन हो जाएगी 10 रुपए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, कैश इज रिसीव्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर्स, द एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड प्रोडक्ट within 30 days and receive a full refund. The entity's cost of each product is 60. Because the contract allows the customer to return the products, the consideration received from the customer is translation given this one. अब देखिए अगर हम 100 यूनिट्स ट्रांसफर कर भी दें और 100 रुपीस पर प्रोडक्ट है तो 10,000 की जो कंसिडरेशन है क्या इसमें फ्यूचर में जाकर चेंज आ सकता है? रिटर्न्स की वजह से चेंज आ सकता है, कहता वेरिएबल है, चेंजिंग है। टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन टू विच द सेलर एंटिटी वर्ड बाय सेलर की बात हो रही है टू विच द सेलर विल बी एंटाइटल्ड द एंटिटी डिसाइड्स टू यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, ये भी अंडरलाइन करना, बिकॉज इट इज अ मेथड दैट द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बेटर प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन टू व्हिच इट विल बी एंटाइटल्ड। नेक्स्ट लास्ट लाइन, यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 97 प्रोडक्ट्स विल नॉट बी रिटर्न्ड। अगर देखिए हमें इस तरह की कोई बात क्वेश्चन में ना बताइए जिस तरह की लास्ट लाइन में बताई हुई है तो हम शायद कब तक का वेट करेंगे, या तो 30 डेज का या फिर अल्टीमेटली पता चले कि सेल होगी आगे के लिए।
ये अप्रूवल होगी। लेकिन अब ये कहता है यूजिंग एक्सपेक्टेड वाली मेथड, हमारा अभी एस्टिमेट है कि 97 प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं होंगी। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बेस पे मतलब प्रोबेबिलिटीज पे 37 आ जाएगा सर, 60% चांस है कि इतना पैसे देने पड़ेंगे, 40% इतने देने पड़ेंगे, उस तरह की एक स्टोरी यहाँ चलिए। कितनी प्रोडक्ट्स बेची उनमें से अब हमें एस्टिमेट, हमारा अंदाजा ये है कि कितनी रिटर्न नहीं होंगी, इट मीन्स हम कितनी गुड्स ऐसी समझते हैं कि जो रिटर्न हो जाएंगी, डिलीवर हम कितनी करेंगे। ये बात भी हो सकता है कि हमारा एस्टिमेट बदल दे। नेक्स्ट लाइन, द एंट्री कंक्लूड्स इट इज हाईली प्रोबेबल। ये जरा कुछ वर्ड्स आ रहे हैं बड़े मुश्किल से अंग्रेजी के, इनको सही ट्रांसलेट करके जरा रखना देना। दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। पहले जरा 9700 समझ लें कैसे बना। 97 प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल ऑफ 100 है, क्या ये 9700 का रेवेन्यू अब हम उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब रिटर्न्स हो जाएंगी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बेस पे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जरा संडे से बारह शुरू करें। द एंटिटी कंक्लूड्स, हमारी अब ये कंक्लूजन है कि इट इज हाईली प्रोबेबल, हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल है। अब देखिए हमने 9700 की कोई एंट्री करनी, सेल क्रेडिट करने का बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन अगर हमें बाद में ये खदशा हो कि बाद में सेल डेबिट करनी पड़ेगी क्योंकि रिटर्न ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर शायद ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप इस साल सेल रिकॉर्ड कर रहे हो और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाकर फिर सेल डेबिट कर रहे हो। इस साल सेल पहले बढ़ा लेंगे, अगले साल सेल कम हो जाएगी। तो ये काम आप तभी कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोबेबल हो, बल्कि हाईली प्रोबेबल हो कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये होगा विल नॉट अकर होने लगा। और अगर ये आप इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगी या नहीं होगी, तो फिर शायद हमें कब तक वेट ही कर लेना मुनासिब है। तो मीन्स उसे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर तो रहे, लेकिन ये रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होना चाहिए अगर ये हाईली प्रॉफिटेबल हो, के बाद में रिवर्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस चीज की रिवर्सल? पहले हमें सेल क्रेडिट कर लेनी है, बाद में अगर ज्यादा रिटर्न होगी हमारी उम्मीद से तो हमें सेल पर डेबिट करनी पड़ेगी, और अगर हमें इसका खदशा ज्यादा है तो फिर हमें ये काम अभी करना ही नहीं चाहिए और उस दिन तक वेट करना चाहिए जब तक रेवेन्यू फाइनल हो ना जाए, विच मीन शायद जब तक कस्टमर एक्सेप्टेंस या टाइम पीरियड एक्सपायर ना हो, तब जरा सेंड सारा फाइनल कर दो। द एंटिटी कंक्लूड दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड will not occur as the uncertainty is resolved, yes, that is over a period of 30 days in this case. koi yahan tak ki baat ko confirm then we got the entry estimates the cost of recovering the products will be material. ab dekhen cheeze pehle kahan se kahan jayengi, manufacturer ko jayega, seller buyer kar lete hain, seller se buyer ke paas jayenge, aur agar return hongi तो वापस भी आनी है। तो वो कहते हैं जो वापस आनी है ना, जो रिकवर होंगी प्रोडक्ट्स, वो कोई इतना सिग्निफिकेंट उसमें खर्चा नहीं है, हो भी सकता है। एंड एक्सपेक्ट्स दैट द रिटर्न्ड प्रोडक्ट्स विल बी या कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट, और जो आएंगे वो किसी और को बेचते हैं। तो अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ 100 प्रोडक्ट्स, अब चीजें देखिए इनिशियली हमसे चली जानी है, यानी कितनी चली जाएंगी। अब नीचे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज देख के पढ़ने के बजाय मुझे चंद एक एंट्रीज करवा दे रहा है। जब हम ये कंट्रोल ट्रांसफर कर देंगे ऊपर जरा पढ़ने, मेरा ख्याल कैश शायद उसी वक्त मिलना, जरा ढूंढने जरा चीज मुझे, आप ये एंट्री करवा रहे हैं किस वक्त, शुरू में एंड में, ये पहले बस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। आप बाद में लिखेगा, पहले मुझे जरा एंट्रीज करवा दो। कैश मेरा ख्याल आना, बाद में रिफंड करना है। जी सर, कितना रेवेन्यू क्रेडिट या रेवेन्यू फ्रॉम सेल क्रेडिट? 97 × 100। कैश किस तरह बना है? 10,000। 100 इंटू कौन सा 100? 100 प्रोडक्ट्स इंटू सेल प्राइस 100।
रेवेन्यू फ्रॉम सेल कैसे बनाएंगे, 97 इंटू 100, 9700। अब देखिए 300 जो हमें, 300 जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, हमारा ये ख्याल है कि हमें ये वापस नहीं, मतलब स्टोरी सेंस ये ना, हमें मिल कितना गया, हमें क्या लग रहा है इस वक्त बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड 700 तो हम अर्न कर लेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 300 है वो हमें वापस करना पड़ेगा। अब इस 300 के अगेंस्ट की लायबिलिटी पेबल और अनर्न दोनों में मेरा ख्याल है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। पेबल वैसे मीन्स क्या है, मेरा ख्याल इस वक्त पेबल हमें लग रहा है कि हमें वापस करना पड़ना है। अनर्न का तो मतलब हो जाएगा हम बाद में कमा लेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है बाद में 3 भी रिटर्न ना हो, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं शायद कि हमें ये 300 वापस करना पड़ना है, इसलिए पेबल टू कस्टमर शायद ज्यादा पड़ता है। अनर्न का मीनिंग क्या होता है, कि पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे, चीजें देनी पड़ेंगी, और जब दे देंगे तो कमा लेंगे। तो इस वक्त हमें लग ऐसे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी कि हमें पैसे वापस करने पड़ने हैं, कितने हमें पैसे वापस ही करने पड़े तो हम ले क्यों रहे हैं, हमारी उम्मीद, हमें उम्मीद है कि वापस करने पड़ेंगे, हो सकता है नहीं करने पड़े, और अगर नहीं करने पड़ेंगे फिर एंट्री जो होगी टेबल डाउन चाहिए। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, एंट्री पूरी ऊपर आ जाएगी, फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में एक शॉर्ट दिया कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, सुनो स्टॉक पर चीजें कितनी निकल जाएंगी आपके पास, और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 60 है, तो स्टॉक आपका जो फिजिकल स्टॉक है वो तो 6000 से क्रेडिट होगा फिजिकल स्टॉक। हम कितनी प्रोडक्ट सेल होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं, जो चीजें बिकी हैं उसकी कॉस्ट। तो हमारा क्या अंदाजा कि कितनी बिकी हैं, कैलकुलेटर उठा, तो मैंने 100 प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं कहा, तो हमें नहीं लग रहा वो सारी बिकनी है, हमें तो 97 के अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल सेल के साथ मैच करनी चाहिए। बाकी बनेगा 3 × 60, ये क्या है लॉस, ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ है चीजें, ये तीन कहाँ है, ये थर्ड पार्टी के पास है ये, लेकिन हमारी है। तो ये फिजिकल स्टॉक तो क्रेडिट हुआ, स्टॉक इन हैंड क्रेडिट हुआ, ये जो मैंने क्रेडिट किया ये था स्टॉक इन हैंड, ये जो हमारे पास है स्टॉक इन फैक्ट्री, स्टॉक इन हैंड जो था ये तो 100 क्रेडिट हो गया था, उसमें से 97 हम समझते हैं बिक गई है, और 3 जो है हमारी ही है और उसके पास पड़े, तो इसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट करें, सॉरी डेबिट करें, स्टॉक विद कस्टमर या स्टॉक विद थर्ड पार्टी। हमारे से गुड्स निकली कितनी है, निकली कितनी है सर जी, कितनी निकली, लेकिन उन 100 के अगेंस्ट हम कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे, और 3 कहाँ है, हम किसकी है, कस्टमर के पास है, हमें लग रहा है हमारी ही है, हमारे पास वापस आ जाएंगे। लेट्स अज्यूम ये 3 प्रोडक्ट्स वाकई रिटर्न हो जाए, एंट्री करेंगे टेबल डेबिट कैश क्रेडिट 300 से, और 180 से फिर स्टॉक इन हैंड डेबिट एंड स्टॉक विद कस्टमर क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल ये 3 भी बिक गए, टेबल डेबिट सेल क्रेडिट रेवेन्यू क्रेडिट 300 से, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक विद कस्टमर क्रेडिट 180 से, ठीक है। और क्या इसमें फिर 4-5 भी हो सकती हैं, तो वो बात इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन में करेंगे। अब ये एंट्रीज आपने जरा साथ साथ लिखनी है, मेरा ख्याल है लेफ्ट साइड राइट साइड पर जगह मिल जाएगी। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या ये कहता है सेल रिकॉर्डिंग ना करें, सर बड़ा प्रूडेंट हुए हैं सर हम, आप चेक तो करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड आया बीच में, सारी डिस्कशन ही है, और उसके बाद ये भी है कि अगर इवन देन लग रहा है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल पॉसिबल है तो फिर भी ना करें, क्या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मीन सेल रिकॉर्ड ही कैश बेसिस पे करें, ये कभी भी नहीं है। कभी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट आपने एंट्री सुनी, नहीं सर्टन वो भी नहीं होता, बाद में बैड डेट हो जाते हैं, सर्टन वाली बात नहीं, हाईली प्रोबेबल वाली बात होती है। हाईली प्रोबेबल मतलब जब भी आप चीजें बेच रहे होते हैं तो आप कस्टमर को गौर से देखते हैं, अगर उसमें जरा सा भी ऐसा शक आपको ना पड़ेगा मेरे जैसा निकलेगा,
तो आप नहीं बेचेंगे, उस वक्त वो आपको अपने जैसा ही महसूस हो रहा होगा, देयरफॉर आप रिस्क ले लेंगे, सब्सिक्वेंटली लोन मेरे जैसे निकला था। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मीन्स कि इनकम रिकॉर्डिंग ही करनी है और कैश बेसिस पे नहीं है, हाँ हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल करते हैं यार, साहब जाने दें उस यार, रिटेल हम रिटेलर हैं। और बेटा वो एक एग्जांपल के तौर पर बात खत्म होगी, हम रिटेलर हैं, हम एंटिटी हैं, इस एग्जांपल में हम एंटिटी हैं, हम सेलर हैं, जाने दें उस यार। इस एग्जाम्पल नंबर सिक्स में कोई नई चीज हमने पढ़ी हो? नहीं पढ़ी है ना? मेरा गुमान नहीं, सेल और टर्न बेसिस मेरा ख्याल है कि आपने कहीं ना कहीं सुन लिया होना, बट नई चीज आई हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ी। हमने बस ये सुना हुआ था कि हम शायद वेट ही करेंगे, यहाँ नई चीज अगेन निकली कि अगर कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबल हो और उसके सिग्निफिकेंट रिवर्सल की उम्मीद ना हो तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाद में फिर देखेंगे कि अल्टीमेटली वो एस्टिमेट में चेंज तो नहीं होता, और अगर एस्टिमेट में चेंज आया तो इट विल बी डेल्ट विद प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है सर, देन ये एंट्री देख के जरा नीचे लिखे हैं कुछ वर्ड्स। कॉन्सिक्वेंटली द एंटिटी रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग, देखें रिकॉग्नाइज कर लिया हमने सर कितना रेवेन्यू सर। अच्छा एक वर्ड ना रिफंड लायबिलिटी यूज करेगा बार बार यहाँ, रिफंड लायबिलिटी सिंपली मीन्स पैसे वापस करने हैं, पेबल। ये जहाँ एंट्री अगर लिखी है उसके साथ अगर कोई एरो बना ले, रिफंड लायबिलिटी किसको कह रहा है, क्या मतलब ऐसे रिफंड लायबिलिटी, पैसे वापस करने पड़े, पैसे रिफंड करने की लायबिलिटी। और इन एसेट ऑफ 180 ये किस चीज को कह रहा है, स्टॉक विद कस्टमर, ये ना और क्या, कौन सा एसेट कस्टमर के पास हमारा, कौन सा एसेट था, चीजें हैं पैसे हैं, चीजें हैं पैसे हैं सर। एग्जांपल सर, ये ऑनलाइन सर ठीक है। अब इसी में एक फर्दर वेरिएशन, an entity sells a product to a customer for rupees 121 that is payable 2 years after right of return is expired, kitne paise kab, 2 saal baad, kiske 2 saal baad, right of return expire hone ke 2 saal baad। The customer obtains control of the product at the contract inception. चीजें उसके पास चली जाएंगी, वो इस्तेमाल कर सकता है। The contract permits the customer to return the product within 90 days. अब ये 90 days में रखते हैं, first line दोबारा पढ़ेंगे। पैसे कब देने हैं? 90 days के बाद दो साल। The product is new and the entity has no relevant historical evidence of product returns. और अभी कोई पुराना हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि लोग कितनी चीजें रिटर्न करते हैं कितनी नहीं करते। द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 व्हिच रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट द कस्टमर वुड पे अपॉन डिलीवरी ऑफ द सेम प्रोडक्ट सोल्ड अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। ये सेंटेंस समझ आ गया, क्या सेंटेंस है, अगर आज ही कैश लेते तो कितना लेते, क्या इसी तरह के ट्रांजैक्शन में अगर कैश सेल करते तो 100 लेते, तो हम 121 क्यों ले रहे हैं, क्या इसमें कुछ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो नहीं है। द एंटिटी इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 80
The entity does not recognize revenue when the control of the product transfers to the customer. Okay. This is because the existence of the right of return and the lack of relevant historical evidence means that the entity cannot conclude that it is highly probable that the significant reversal of the amount of cumulative revenue recognized will. हमें ये खदशा है कि इधर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करें और बाद में रिवर्स करना पड़ेगा. ये हाईली प्रोबेबल नहीं है हमें कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगी. ये प्लीज ये जो वर्ड इस तरह के आ रहे हैं ये सही तरह से सेट करना है. मैंने कह तो दिया है कि स्टैंडर्ड्स अलाउड हैं लेकिन जब भी कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं तो ये स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको लिखते हुए खुद से याद आ जाते हैं. तो ये क्या कहता है पढ़ के तरह अंग्रेजी में थोड़े से चार पांच वर्ड इसके बाद निकाल के क्या कंक्लूड किया क्यों कंक्लूड किया. Consequently, revenue is recognized at the time of transfer of the goods. After 3 months, when the right of return. ये दो साल बाद revenue record ना करें. Right of return जब खत्म हो जाएगा तब तो ये certain हो जाएगा ना कि sale हो गई है. लेकिन फिर एक दूसरा मसला आ जाएगा जो शायद कल बात हो रही थी. फिर क्या sale जो है 121 पे record करें या प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें. नेक्स्ट पैराग्राफ. द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की चीज. दिस इज एविडेंस फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस कंसीडरेशन ऑफ 121 एंड द कैश सेल प्राइस ऑफ 100 एट द डेट द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर. The contract includes implicit rate of return के ऊपर. छिपा है rate sir, ये calculate हो सकता है आपको. जरूरत नहीं वैसे इस वक्त 10% से बता दिए. लेकिन कैसे calculate हो सकता है उसे. 100 है is equal to है 121 one plus I minus बताएं. Minus या इसे solve करके क्या. ये 100 में नहीं इधर क्यों ले लिया. ये आज की वैल्यू वो रेट जो इस इक्वेशन को बराबर कर देगा वो इम्प्लिसिट रेट होगा. बनता बन गया सर. एंट्रीज के बारे लिखी हुई है आप करवाने पे फोकस रखें. कोई एंट्री करेंगे सर जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे कस्टमर या ट्रांसफर कर देंगे सर. व्हेन प्रोडक्ट ट्रांसफर टू कस्टमर सेल रिकॉर्ड कर देंगे. क्या करेंगे स्टॉक इन हैंड क्रेडिट कितने हैं सर. ढूंढे ढूंढे फिगर्स ढूंढ सेल प्राइस पे करेंगे यार. सेल प्राइस पे एंट्री कब होती है जब चीजें सेल हो जाए तभी ट्रांसफर हुई है. और अब हम रेवेन्यू इस वक्त क्यों रिकॉर्ड नहीं करें. ऊपर तो कर लिया था. सिग्निफिकेंट रिवर्सल होने का चांस है तो देर पर सिर्फ स्टॉक की ट्रांसफर होगी. हमारे से स्टॉक निकल के हमारा स्टॉक कस्टमर के पास तो कितने से एंट्री होगी. 80 से क्या एंट्री हुई. स्टॉक विद कस्टमर डेबिट स्टॉक इन हैंड क्रेडिट. जब राइट ऑफ रिटर्न लैप्स हो जाएगा अगर हो गया और प्रोडक्ट रिटर्न ना हुई तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे. रिसीवेबल डेबिट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट. ये रिसीवेबल क्यों डेबिट लिखा. तो 121 100 से तो ये दूसरी एंट्री तब होगी जब राइट ऑफ रिटर्न लैप्स होगा मींस आफ्टर 90 डेज. इसके साथ फिर एक दूसरी एंट्री होनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट स्टॉक विद कस्टमर क्रेडिट कितने से. एक साल गुजार दें आप
एक साल बाद की कोई और एंट्री भी होगी क्या? कैलकुलेट करते हैं कितने से, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट 10 कैसे निकाला, 100 इंटू तो 10 ये हो गया, दो साल एंड हो गया फिर एंट्री क्या करेंगे कितने से, 11 कैसे हो गया 10 ही यार तो कार्ड कंपाउंड हो जाएगा सर, 110 प्लस 10 सॉरी 100 100 प्लस 10 इंटू 10% और फाइनली जो कैश रिसीव होगा कैश डेबिट एंड रिसीवेबल पे वो दो एक्स्ट्रा मैंने एंट्रीज लिखी वो जरा बाकी तो लिखी नहीं सर आफ्टर फर्स्ट ईयर जी ठीक है बेटा वही सोर्स सब 6-7 को अगर इकट्ठा देखें तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन एग्जांपल 6-7 इग्नोरिंग दिस फाइनेंसिंग कंपोनेंट ये तो बात वैसे रिपीट होगी 6 और 7 इकट्ठा देखें तो व्हाट इज द होल स्टोरी ऑफ सेल रिटर्न बिजनेस या सेल एंड अप्रूवल बिजनेस जो आपने अपने आप को सुनाया पेगरी करते हैं पेज नंबर 33 निकल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए List the 5 steps involved in recognizing revenue under IFRS 15. बता देंगे लिस्ट बस पेज देख के बोल दूंगा फर्स्ट पेज सटीक फर्स्ट पेज Part B. On 1st June 2018, Ravi Limited delivered 500 units at 200 per unit. BL immediately paid the amount and obtained control over upon delivery. BL is allowed to return unused goods, unused units within 30 days and receive a full refund. RL's cost of the product is Rs. 150 per unit and it uses a perpetual inventory system simply ye hota hai ki cost of sales aata nahi first kare agar koi ye na likhta to phir definitely choice bhi ho jati hai एक चॉइस भी हो जाती है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट वाली एंट्री चाहे ना करें
लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लिखा कौन सी एंट्री अब साथ साथ होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट, लेकिन ऑब्वियसली कितने से होनी है, नहीं मतलब कितने से होनी, जितनी प्रोडक्ट सेल हुई, ये शुरू करें सर फ्रेंड्स। सॉरी बिल्कुल अभी एक लाइन ब्रेक। 130 यूनिट आई बी एल रिटर्न, 20 प्रोडक्ट्स, 20 यूनिट्स, कितने बेचे थे? प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर ऑन 1st जून 2018 एंड 30 जून 2018 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। Based upon historical data, RL estimates that 5% of units will be returned on expiry of historical data. The product is new and the RL has no relevant evidence of the product returns or other available market evidence. Rika sir, ye bhi ke padhe aur apply kare. Theek hai, fine, bismillah padhe. Ravi Limited. जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंड फॉर द ईयर एंड सर नहीं, मंथ एंड भी नहीं, सिर्फ दो डेट्स मांगी मैं। जनरल एंट्रीज दो डिफरेंट डेट्स में, बस मैं सिनेरियो वन आरएल एस्टीमेट्स दैट 5% यूनिट्स विल बी रिटर्न। ये सर पहली डेट स्पीड अप, पहली एंट्री कैश कितना डेबिट, 500 यूनिट्स इनटू 200,000 सारा कैश कट गया ना। अपॉन डिलीवरी रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स फाइव हंड्रेड इंटू 95%, 5% का क्या खर्चा, तो 475 बन जाएंगे इंटू 295,000। जी 5,000 के अगेंस्ट जी सेम डेट क्यों लिखी है? जी फाइनल कौन से कर रहे एंट्री में भी लिखा हुआ है,
ऐसे का परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ना लिखो तब भी अभी एंट्री अनलेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ये अनफॉर्चुनेट यानी इंट्रो एग्जाम का आप बस ध्यान में आपने रखना है बट परपेचुअल अगर इन्वेंटरी सिस्टम ना भी हो तो मैंने भी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट की है डेबिट है सब सेल एक ही दफा साल के एग्जाम डी 30th जून 30th जून 18 ये फर्स्ट को भी करनी है 30th वाली भी करनी है 30th को क्या करना बस होगी बात खत्म नहीं नहीं एक मिनट हुआ क्या 30th को अब गौर से देखिए सर 20 वापस आ गई तो आराम आराम से पहले उधर पहली वाली एंट्री देखें हमने रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट डेबिट की सॉरी क्रेडिट की हुई थी रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट की हुई थी 5000 सर तो उसमें से क्या कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे 25×200 से हमने रिकॉर्ड किया था तो लायबिलिटी तो खत्म है कैश कितना वापस जाएगा नहीं जाएगा अपना चीजें वापस कैश वापस टेबल कर लेते हैं फिर चीजें देते कैश पकड़ लेते हैं और चीजें वापस लेते हुए बाद में दे देंगे ठीक है आपकी बात लेकिन मेरा ख्याल दे देना चाहिए वरना फिर पेबल हो जाएगा कितने पैसे दे जा रहे होंगे सर बाकी हजार का क्या होगा हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी लेकिन 5 वापस नहीं आई तो क्या उनके अगेंस्ट फिर अब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए 5×200 एक और एंट्री बनेगी ये लिख लें और वो करें खुद सर दूसरी तरह देखें स्टॉक विद कस्टमर वाली फाइनल करें जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स 5 यूनिट्स हैं जो रिटर्न नहीं हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और उनके अगेंस्ट पे कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड होगी लेकिन बाकी जब यूनिट्स वापस आ गए वो कस्टमर के पास नहीं रहे तो दोबारा हमारे स्टॉक में बढ़ जाएंगे जी लिखे जी सर इसका पार्ट बी 0.2 नो हिस्टोरिकल एविडेंस नो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ रिटर्न्स ये कट है प्लीज जॉनलेस प्लस प्लीज अभी कोई एक बात बताना चाहता है जी सर 0.1 फर्स्ट एंट्री नहीं सर उससे पहले भी काम हो गया
कैश में मिला है। नहीं अब ये रिफंड लायबिलिटी वाली बहस नहीं है मेरा ख्याल, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप चीज है। एक मिनट जरा सोचें, क्या ये हमें लग रहा है कि सारे वापस करने पड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल इस तरह ये सिचुएशन, क्या हमें 100% रिटर्न एक्सपेक्टेड है? हमें पता, अब हमें पता नहीं है, अब हमें पता नहीं है मेरे को। हो सकता सारी हो जाए, हो सकता है सारी बिक जाए, इस वक्त हम इस डायलेमा में है, हमें नहीं पता। तो मेरा ख्याल ये सिंपली एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, बहरहाल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लायबिलिटी बताएं कितने से रिकॉर्ड कर, क्या हेड लिखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप चीज। अब इसका फर्दर ब्रेकअप क्या है वो हमें नहीं पता, यानी कि इसमें कितनी अर्न इनकम होगी, कितना पेबल है, ये हमें सही पता नहीं है। तो या क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर या इसे पेबल कहने, लेकिन इसका प्रपोर्शन हमें नहीं पता। लेकिन एक बार ज्यादा साथ वाले के एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी शायद आपकी नजर भी पड़ी थी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी स्टैंडर्ड में कहते हैं। और इधर कॉन्ट्रैक्ट एसेट आया था, एक रॉबर्ट साहब लिखे वो भी फिर उधर जाकर पढ़ते भी। अब हम बड़े सिग्निफिकेंट रिवर्सल का खतरा ना, तो इसलिए अभी हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो देयरफॉर अभी हमें जिस दिन तक कंफर्म नहीं होता कि कितने यूनिट्स बिके, उस दिन तक हम वेट करेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब शायद 30 डेज एक्सपायर होंगे, जी ठीक है प्लीज। लेकिन इसी डेट पे एक दूसरा काम करवा कह रहे थे, वो मैं नहीं किया। क्या स्टॉक शिफ्ट हो जाएगा कहां से कहां? हमसे कस्टमर के पास, तो स्टॉक विद कस्टमर डेबिट, स्टॉक इन हैंड क्रेडिट। कितने से? 500 इंटू 150 30 June 18 जी करवाएंगे। नहीं वही चले, मेरे को तो वर्ड सिर्फ अभी रख लें सामने, वैसे ही सिंपल वाले वर्ड्स। एडवांस डेबिट एंट्री लिखने से पहले जरा अमाउंट फाइनल करवा दें, ठीक है? चले वो कर लेते हैं। एक मिनट जरा, रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड होना? 480 से या 500 से? कितने एक्चुअली रिटर्न हो गए? तो 480 इंटू 200 रेवेन्यू, तो क्रेडिट होगा 96,000। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 96,000, एडवांस डेबिट 1,00,000, ठीक है? बाकी 4,000 फिर वी आर रिज्यूमिंग के जब चीजें वापस हुई, जब हमने पैसे लिए थे, चीजें दी, पैसे ले लिए थे, तो फिर अब ये पैसे वापस करने होंगे। कितनी लाइब्रेटी कैसे सेटल हुई और कितनी लाइब्रेटी कैसे सेटल हुई? 96,000 की लाइब्रेटी गुड सेल होकर सेटल हुई और 4,000 की फिर लाइब्रेटी अब पैसे वापस आ गए, क्योंकि 20 गुड्स ही हमें वापस मिल गई। एनी कंफ्यूजन? वाइंड अप कर, वाइंड अप फर्स्ट जून वाली दूसरी एंट्री देखते, तो कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेंगे 480 इंटू 150 स्टॉक वापस भी आया, तो स्टॉक भी कस्टमर वाली बहस खत्म हो गई। जितनी चीजें उसने रख ली अब उसी की हैं, हमारी नहीं रही, और जितनी उसने वापस कर दी वो हमारे स्टॉक में वापस आ गई।
12 एग्जांपल में दे, एग्जांपल नंबर 10 ढूंढ, एग्जांपल नंबर सॉरी 11 ढूंढ के पेज नंबर जर्नलिस्ट में सर बता दीजिएगा, नोट कर लीजिए। पेज नंबर 69 बताया जा रहा है, इसको पेज नंबर 69 से पीछे एक मिनट जाएगा, जहां कल तीन मेथड्स पढ़े थे, अगर स्टैंडर्ड ऑन प्राइसेस ना हो उनके, जरा पेज नंबर बता दो, एक नजर पहले रिवाइज कर लेना। पेज नंबर ये बड़ा ऑनलाइन स्टार्ट से ली थी, चलो कितने मेथड्स है अगर स्टैंड अलोन सेल प्राइस ना हो, बल्कि पहले तो ये ध्यान में रिवाइज कर ले, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस होती है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस का मतलब अगर प्रोडक्ट्स आप अलग अलग बेचते हैं तो कितने पे बेचते हैं, अगर स्टैंड अलोन सेल प्राइसेस अवेलेबल ना हो तो उनका एस्टिमेट करने के तीन तरीके हैं, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस अप्रोच, एंड एजाइल अप्रोच। एक एक नजर उनकी लाइन सर पढ़ने के बाद, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच क्या है, कंपेटिटर की सेल प्राइस ढूंढने और अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े उसकी प्रोडक्ट्स और आपकी प्रोडक्ट में डिफरेंस है तो वो करके मार्केट असेसमेंट अप्रोच के मुताबिक अपनी सेल प्राइस एडजस्ट करनी। कॉस्ट अप्रोच एक एस्टिमेट कॉस्ट एंड देन ऐड एप्रोप्रिएट प्रॉफिट मार्जिन, और एजाइल अप्रोच ये जिन प्रोडक्ट्स की स्टैंड अलोन सेल प्राइस अवेलेबल है उन्हें ट्रांजेक्शन प्राइस समझ के बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस उस प्रोडक्ट की निकाल लें जिसकी सेल प्राइस अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 69 An entity enters into a contract with a customer to sell product A, B and C in exchange for 100. The entity will satisfy the performance obligations for each of the product at different points in time. क्या मतलब? अगर इस तरह लिखा हो at same point in time, नहीं इसका मतलब होगा तीनों कट्टी deliver होंगे। और different points in time means इन्होंने शायद अलग-अलग time पे dispatch होना और देर पर फिर इनकी अलग-अलग time पे sale record होनी। The entity regularly sells product A separately and therefore the standalone sale price is directly nazar aa rahi hai, observable hai, pata hai. The standalone selling price of product B and C are not directly observable. Declare directly observable, nazar aa rahi hai, directly nazar aa rahi hai. Kis kis ki nazar nahi aa rahi? Because the standalone selling price of product B and C are not directly observable, the entity must therefore estimate them. To estimate the standalone price, the entity uses the adjusted market assessment approach for product B and the expected cost plus margin approach for product C. The entity estimates the standalone selling prices as follows. अब वो जो story थी कि कैसे find out होती, उसने करके अब आपको finally data दे दी। How many products? What is 50, 25 and 75 respectively? ये standalone prices हैं, ऊपर first line में जाए 100 के हैं। वो transaction price है। तब standalone prices आ गई, 50 जो थी directly observable थी, और 25 market assessment approach, और 75 cost plus approach से find out करके उसने आपको data पूरा करके दे दिया। Once again, I must repeat, ये question form में नहीं है, एक scenario form में। तो scenarios पढ़ के फिर हम कोशिश करेंगे एक question साथ साथ करते जाएं। फिर question में फिर ये data कैसे apply होता है? The customer receives a discount for purchasing a bundle. आपको नजर आ रहा है कहीं? अलग 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 बेचते तो 150 का बेचते, टोटल इकट्ठा बेचा है तो 100 का ये बंडल बेच दिए।
50. The entity considers whether it has observable evidence about the performance obligation to which the entire discount belongs and conclude that it does not. ये बात पता है आपको, ये 50 किसी एक प्रोडक्ट से स्पेसिफिक भी हो सकता है लेकिन कंक्लूड ये हुआ कि ये नहीं है. Consequently, with the discount is allocated proportionately across product A, B, and C, the discount and therefore transaction price is allocated as follows. कैसे टेबल बन गया सर, कुछ कॉलम्स मिसिंग है लेकिन जहन में बनाया जा रहा. प्रोडक्ट के नाम आ गए, स्टैंड अलोन प्राइसेस आ गई, स्टैंड अलोन प्राइसेस आ गई, ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी आ गई 100, स्टैंड अलोन प्राइसेस कितनी आ गई 50, 25, 75. प्रोडक्ट के नाम क्या आ गए ए बी एम सी. एलोकेशन कैसे हो गई 50 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 100. वर्किंग करते हैं, सॉल्व करो, कर लेंगे एक हाथ कैफे के, सॉल्व तो करो. स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हो गई 33, 17 and 50. अब इस एलोकेशन को करके हमने अपने सामने रख लिया है, मतलब हमने करके रख लिया है. जब प्रोडक्ट ए डिलीवर करेंगे तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 33, बी, सी. अगर फॉर एग्जांपल डाटा में पीछे जाए, अगर पिछला पेज है, अगर लेट्स अज्यूम ये सेम पॉइंट इन टाइम पर डिलीवर होनी है, फिर शायद इस एलोकेशन की भी कोई सेंस नहीं है. अगर इकट्ठी ट्रांसफर होनी तो 100 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे. अगर सेम पॉइंट इन टाइम पे इन सब ने इकट्ठा ही डिलीवर होना है तो 100 रिकॉर्ड कर लेंगे या 150, तो 100 बस रिकॉर्ड कर लेंगे. लेकिन ये अलहदा अलहदा क्यों एलोकेट होगा, सेकंड लाइन में दोबारा जाएंगे डिफरेंट पॉइंट इन टाइम. इसका की चीज है, मतलब ऐसे ही हमको ये भी नहीं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं. और अगर ये इकट्ठा ही डिलीवर होना है, इकट्ठा ही बंडल डिलीवर होना है, लेकिन इसमें ये भी है ना, इकट्ठा बंडल डिलीवर होने का समटाइम हर किसी मतलब नहीं कि आपका रेवेन्यू भी इसी वक्त रिकॉर्ड होगा. जैसे वो यू फोन वाली एग्जांपल है, आपने हैंडसेट दिया लेकिन सर्विसेज ओवर द टाइम आपने अर्न करा, तो आप रेवेन्यू हो गया तो सेम डेट पर रिकॉर्ड होगा, तो फिर शायद किसी एलोकेशन की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर रेवेन्यू ने डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड होना है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट इन टाइम का रेवेन्यू क्या है और नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम्स के रेवेन्यू क्या है. आई होप कि मेरे वर्ड्स को समझ आ रहा है. एग्जाम्पल 12 होने दो. अभी तरतीब से मेरा जाना है एग्जाम्पल नंबर 12 तक ही जाना है, लेकिन इसमें तीन केसेस हैं जी. नहीं वो चीजें तो फिर आपको पता, पहले लदे लदे कर लेते हैं, इधर से उधर आ जाता है. एग्जाम्पल नंबर 12, एलोकेटिंग अ डिस्काउंट. एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए बी एंड सी इंडिविजुअली, thereby establishing the following standalone selling prices. अब ये scenario different हो गया. अब यहाँ तीनों अलग अलग बिक रही हैं और standalone prices given है 40, 55, 45. In addition, नई चीज, entity regularly sells product B and C together for 60. B and C को भी अलग अलग बेचा जाए तो 55, 45 पे, लेकिन इन्हें इकट्ठा कर बेचा जाए तो हम 60 पे बेच देते हैं. केस ए, अब ये कॉमन डाटा जो केस ए बी और सी में चलेगा. द एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी इन एक्सचेंज फॉर 100. व्हाट इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑन प्राइसेस? The entity will satisfy the performance obligation of each of these products at different points in time. Yes, sir. The contract includes a discount of 40 kaise? 140 and 100 on the overall transaction, yes, sir, which would be allocated proportionately to all three product performance obligations when allocating the transaction price using the relative stand-alone selling price method. यहाँ तक आगे ना पढ़े, यहाँ तक ठीक है. ये जो 40 है क्या तीनों पे प्रोपोर्शनेटली? हाई एवर सेंटर एंकल, बिकॉज द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट बी एंड सी टुगेदर फॉर 60. ऐसे
एंड प्रोडक्ट ए फॉर 40 ढूंढना बी और सी को इकट्ठा कितने पे बेचा जाता है और प्रोडक्ट ए को अलग कितने पे बेचा जाता है और तीन इन तीनों को मिला के कितने पे बेचा गया है इन तीनों को मिला के भी 100 पे बेचा गया है इट इज एन एविडेंस दैट एंटायर डिस्काउंट should be allocated to the promises to transfer ये बी और सी पर वापस है ऊपर ही डाटा दिया हुआ था लेदर बेचते तो 55 45 प्लस करेंगे 55 प्लस 45 ये क्या है 55 प्लस 45 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली अलग अलग है लेकिन जब इन्हें इकट्ठा बेचा जाता है तो 60 पे हम रेगुलरली बेचते हैं तो क्या 40 डिस्काउंट रिलेट्स एंटायरली टू बी एंड सी सो नो डिस्काउंट शुड बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए पढ़ने दो दोनों पढ़ने चलो आगे थर्ड पैराग्राफ इफ एंटिटी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ बी एंड सी एट द सेम पॉइंट इन टाइम देन द एंटिटी कुड एज अ प्रैक्टिकल मैटर अकाउंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इकट्ठी देनी है दैट इज द एंटिटी कुड एलोकेट 60 ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड रिकॉग्नाइजेस 60 when product C, sorry B and C simultaneously transfer to the customer. इस पैराग्राफ में वो कहता है अगर आपने A को 40 एलोकेट कर दिया वैसे हमने क्या चीज एलोकेट कर दी ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ 40 A को होगी और B और C को मिला के तो अगर आपने B और C को इकट्ठा ही डिलीवर करना है तो अब हमें किसी और एलोकेशन की जरूरत नहीं है कोई फर्दर 60 को किसी ब्रेक में ब्रेकअप में करने की जरूरत क्यों नहीं है तो बी एस सी ने अगर इकट्ठे डिलीवर होना है तो बस अब 60 किस किस को एलोकेट हो गया और 60 रिकॉर्ड करने नो एलोकेशन टेबल एट ऑल लेकिन एज द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स ऊपर सेकंड लाइन द एंटिटी टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट बी एंड सी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम देन द एलोकेटेड 60 इज इंडिविजुअली एलोकेटेड द प्रॉमिस टू ट्रांसफर बी एंड सी बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडअलोन प्राइसेस अब मसला हमारा क्या रह गया बोर्ड पे देखो ए की बहस फाइनल होगी भी अब बी और सी पे क्योंकि हमने अलग अलग पॉइंट्स पे ने डिलीवर करना है कितनी ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट होनी है 60 वो तो 100 थी अब 60 को किस में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है बी और सी में क्योंकि इन्होंने अलग अलग ट्रांसफर होना इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पर ट्रांसफर होना है कैसे करना है फाइनली इस बहस का मतलब ही हो जाएगा कि 100 टोटल कैसे एलोकेट हुआ ए को 40 बी का 33 एंड 46 फाइनली ये स्टोरी बन जाए लेकिन किस में एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी एनी कंफ्यूजन फाइनली केस बी से
केस बी का जो डेटा है वो कुछ ना कुछ वो एग्जांपल 12 के जो स्टार्ट में था वो यूज होना है, तो मेरे साथ साथ रहिएगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी बताता हूँ। द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी एज डिस्क्राइब्ड इन केस ए। द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट डी। नई चीज, ए बी सी जो केस ए में था उसके साथ साथ डी भी एक प्रोडक्ट है। टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस इज नाउ या टोटल कंसिडरेशन इज नाउ 130। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट डी इज अ हाईली चेंजिंग वेरिएबल बिकॉज द एंटिटी सेल्स प्रोडक्ट डी टू डिफरेंट कस्टमर्स फ्रॉम ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट From 15 to 45, जो जहां पे आके रुक रहे 15 से लेके 45 तक जो कस्टमर जितना देने को विलिंग हो जाए हम उस पे बिल देते हैं। एक रेंज बताई भी किस चीज की, प्रोडक्ट डी को कितने से कितने तक के दरमियान हम बेचते रहते हैं। Consequently, the entity decides to estimate the stand-alone selling price of the product D using cons approach. Before estimating the standalone price of the product D using the residual approach, the entity determines whether any discount should be allocated to the performance obligations, as in case A. अब जो case A में था, वो as it is सस्ता चल रहा है। Because the entity regularly sells product B and C together for 60, agreed, and product A for 40. It has observable evidence that the 100 should be allocated to these three products, to those three products. वो 100 तो allocate हो गया हुआ है। कैसे? 40 किसको? और 60 में से कितना कितना किसको? And a 40 discount should be allocated to the promised transfer product B and C using the residual approach. The entity estimates the standalone selling price of the product D to be 30. कैसे? What is the total consideration now? 40 किसका हो गया था? 60 किसका हो गया था? B and C का उसको further भी allocate हो गया था 33 and 27. तो total अब था 130. 40 plus 60 100 और ये जो 30 है किस approach से किसको allocate हो गया? You can say that I conclude करने last comments. The entity observed that the resulting 30 allocated to product D is within the range. Therefore, the resulting allocation is consistent with the allocation objective. Means to say, ये जो amount 30 की allocate हुई है, ये कोई unreasonable नहीं। ये उसी range में, अभी कोई जरूरी नहीं था कि exactly दरमियान में आए, लेकिन कम से कम उस range के अंदर आ जाए। किस range के अंदर? मतलब अगर कोई 10 allocate हो जाता, या इसे 60 allocate हो जाता, तो वो शायद ये फिर residual approach मुनासिब नहीं है, फिर किसी और approach की तरफ जाना चाहिए था। फिलहाल क्या इस 30 ने गुजारा कर दिया है? लास्ट टू लाइंस में ये लिखा जरा कर लीजिए, दोबारा जरा पढ़ लें और सी अबव टेबल, ये ठीक बिलो टेबल तो नहीं। अच्छा आ गए हैं सर। हेडिंग है एलोकेटिंग द डिस्काउंट और एलोकेट कर दिया हमने ट्रांजेक्शन प्राइस को। किसी को पता है ये क्या गलती हो गई? और सर जी क्या 40 की डिस्काउंट एलोकेट हो गई है सर? कैलकुलेटर पकड़िए जरा यार, 55 माइनस 33 22 रुपया डिस्काउंट एलोकेट हो गई है प्रोडक्ट बी को और 45 माइनस 27 18 एलोकेट हो गई है। तो करनी थी डिस्काउंट एलोकेट, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट बी हो। ठीक है जीम सर, हेडिंग ना चेंज कर लीजिएगा। Residual bill, residual approach is inappropriate. ये भी हो सकती है। The same facts as in case B apply to case C. Except क्या?
ट्रांजेक्शन प्राइस 105 है सपोज इंस्टेड ऑफ 130, अब यहीं रुक के जरा बताएं आप क्या होगा इसका, 40-60 तो एलोकेट हो जाएगा ए बी एंड सी इकट्ठा, उसकी फर्दर बी एन होगी भी 100 तो टोटल होगी। अब अगर हम रेजिड अप्रोच यूज करेंगे तो डी को सिर्फ कितना एलोकेट होगा, तो मतलब इसका ये है कि जरूरी नहीं कि हर दफा रेजिड अप्रोच ही मुनासिब हो, शायद इस केस में फिर वो इन अप्रोप्रिएट है और रादर देन दिस कोई और तरीका अडॉप्ट होना चाहिए। सिनेरियो का आंसर पढ़ना, कॉन्सिक्वेंटली पूरा पढ़ना, the application of residual approach would result in a standalone price selling price of 5 for product B, 105 minus 100, the entity concludes that 5 will not faithfully represent, imandari se depict nahi karegi, the amount of consideration to be the entity expects to be entitled in exchange for satisfying its performance obligation to transfer product B, because 5 doesn't approximate the, which ranges from, in this case entity should use any other method to estimate the stand alone price of the product. तो क्या इसी केस का क्या आंसर है फिर, आंसर तो क्या नहीं, क्या आंसर फाइनल है कि रेजिडुअल अप्रोच इसमें मुनासिब नहीं, कुछ और करना चाहिए, वो कौन सा कुछ करना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्वेश्चन करना चाहिए, पेज नंबर 35 पार्ट बी, ये ठीक है बेटा, हमने इसमें साथ पेज 35 प्लूटो, इधर प्लूटो लिमिटेड सेल इंडस्ट्रियल केमिकल्स एट फॉलिंग स्टैंड अलोन प्राइसेस C1, C2 एंड C3, क्या है ये C1, 2, 3? आगे क्या दिया, 1,90,000 और 1,10,000, क्या दिया पर कार्टन पर बॉक्स, PL रेगुलरली सेल्स ईच कार्टन of C2 and C3 together for 170. एकदम जज्बात नहीं है। Calculated selling price to be allocated to each product in case PL offers to sell one carton of each of the product at a total price of 260. What is 260? इसकी C1, C2 और C3 का एक-एक कार्टन अगर बेचा जाए तीनों का तो 260 है। हिम्मत सही कीजिएगा जरा, एक फिगर आपको नजर आ गई लेकिन आपने डी ट्रैक नहीं होना वहां से, जी एलोकेट करने से तीनों का सम करें जरा, 300,000 तो 260,000 है ट्रांजैक्शन प्राइस, तो बस इसे एलोकेट करते हैं, बस कर लिया C2 एंड C3 के गेम बीच में इकट्ठा कितने पे बेचते हैं, 90 + 110 करें, गेम ऑन है, 2,00,000 और 1,70,000 क्या होना चाहिए, 30,000 की डिस्काउंट तो किसकी बनती है और बाकी 10,000 डिस्काउंट ये किसे पता चलेगी, उसका हमें नहीं पता वो किसकी है, तो देर पर वो एलोकेट होती है, किसका हमें पता है, C2 एंड C3 बनता 2,00,000 है स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेस पे, 170 उसको टुगेदर बेचते हैं, तो 30 यहां तक तो कंफर्म है, बाकी 10 ऑब्वियसली वो बताया कि सिर्फ C1 का, तो ठीक है
लेकिन बाकी 10 का फिर हम क्या करेंगे, तीनों में एलोकेट। यहां मैं और उसमें मसला बताएंगे उधर जाकर, एग्जांपल 12 बाकी वहां 40 पूरा हो गया था, किसमें पूरा हो गया था 40? वहां कहा क्या पूरा हो गया था? ठीक है, तो इस केस में अब डेफिनेटली दो एलोकेशंस करनी पड़नी है। पहले हम इस 30 को एलोकेट कर देंगे बिटवीन C2 एंड C3, और फाइनली फिर जो रेमेनिंग तीनों की प्राइसेस आ जाएंगी फाइनल, उनकी बेस पे फर्दर एलोकेशन। तो इंशाल्लाह ये काम कल करेंगे। आप लोग आज लीज फाइनल कर लें, मेरे ख्याल परसों एक टेस्ट दे देंगे लीज का, इस हफ्ते में जरा कोई फाइनल कर, बल्कि परसों तो नहीं, फिर कंसोलिडेशन का भी है, वीकेंड तक दे रहे, पहले परसों तो कंसोलिडेशन दे रहे, आइए फिर S9 मिला कर क्या ख्याल, उसमें एक आई फिर S9 वाला जो क्वेश्चन है वो शायद फिर मुझे डिस्कस भी करना पड़ेगा। आइए 41 तो बाद में रख लीजिएगा, पहले अभी नेक्स्ट वीक में रख लीजिए, अभी लीग कंसोलिडेशन और आई फिर S9 की तरफ चले रहे। परसों परसों मीन्स फ्राइडे, ये तो वही है बच्ची से कंसोलिडेशन जो है दोबारा एक बार रिफ्रेश करनी है। आइए फिर S9 को जरा ज्यादा टाइम दे दें, आइए फिर S9 को दे दें और एसोसिएट को सही तरह फाइनल कर, एसोसिएट IS28 और IFRS 9 इनको जरा ज्यादा टाइम दे दें, कंसोलिडेशन मेरा वैसे रिपीट ही होगा बस, लेकिन बड़ा लीज मेरे उम्मीद है कि अब आपने कर ली होगी। जी ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये परपेचुअल में सभी ये होता है कि आपने साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करनी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम अगर पर्सन अगर साइलेंट हो तो इवन देन अपनी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करनी है अनलेस पीरियोडिक बताया। ठीक है मिस्टर अब्दुल मलिक साहब, ये ऑनलाइन स्टडीज का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये जो इनिशियल डेट पोस्ट है ये जो लेसन ने पे किया, ये लेसन को पे करेगा? नहीं सर, बस सर जी किसी कमीशन ने डेट